हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोकैम। हमने भी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। हमने पार्ट 16 में HNO3 की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़नी है। हम पार्ट 15 के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अब हम बात कर रहे हैं HNO3 की। तो सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि HNO3 नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स। अब ये क्या चीज होती है ऑक्सो एसिड्स? ऑक्सो एसिड्स का मतलब ये होता है कि देखो, नाम से एक तो चीज आपको पता चल रही होगी कंफर्म। ऑक्सो का मतलब क्या हुआ? एक चीज तो उसमें कंफर्म है, क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन, ठीक है। और एसिड है, अब एसिड होगा तो क्या देगा? H+। इसका मतलब एक उसके पास H+ देने वाली चीज भी होनी चाहिए। अब H+ कैसे निकलता है कि उसके अंदर क्या हो? ये चीज हो, तभी तो ये H+ निकलेगा बाहर, ठीक है। इसको छोड़ के इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ये H+ निकल जाएगा। इसका मतलब वो H+ दे, एसिड है, और उसके पास ऑक्सीजन भी हो, तो ये दोनों चीज होंगी, तो उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन 3 टाइप्स के ऑक्सो एसिड बनाता है। कौन कौन से बनाता है? पहले आप इनकी थोड़ा सा नेमिंग ध्यान से समझना। पहला हम करते हैं जैसे नाइट्रिक एसिड। तो आपने कभी सुना हो, जब भी कोई एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, तो जो सबसे बड़ी वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं इक लगा के। जैसे फेरस फेरिक में फेरिक कौन सा होता है? +3, एंड फेरस कौन सा होता है? +2। द सेम थिंग हम ऑक्सो एसिड्स में नाइट्रिक एसिड कह रहे हैं। इसका मतलब सबसे हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो इसमें दिखाई देगी, नाइट्रिक एसिड आ रहा है। तो इसका मतलब नाइट्रोजन जो इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो आप बताइए कितना में होना चाहिए? नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने दिखाता? +5, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई? +5। तो हम लिख रहे हैं अब इसको, फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? HNO3। अब आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपने इसको x मान लिया, 3 का इंटू -2 मान लो, अगर आपको इसकी वो निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, निकाल सकते हैं आप। नाइट्रोजन को हमने x मान लिया, हाइड्रोजन की +1, इसकी अब 3 आ गया था, -2 इसके है, पूरे के ऊपर 0 चार्ज है, तो ये आ गया आपका -6, उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +5। और नाइट्रोजन मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो +5 होती है। तो हमें पहला पता चल गया कि हमारा HNO3 है, उसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। दूसरा जो ऑक्सो एसिड होता है उसका नाम है नाइट्रस एसिड। अब देखो नाइट्रस एसिड, इसका मतलब ये कम वाला है। अब कम वाला है तो अब हम क्या करेंगे, कम वाला ले लेंगे। तो अब हमारे पास जो आ गया है वो हमारे पास आ गया है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, जिसे हम बोलते हैं HNO2। हमने सिर्फ एक ऑक्सीजन कम किया, ठीक है। निकाल सकते हैं आप 2 दूनी 4 माइनस का, उधर जाएगा तो +4, -1, +3 आ गया। अब इसी तरीके से जो और होता है वो होता है हाइपोनाइट्रस एसिड। आपके पास अभी फॉस्फोरस के भी ऑक्सो एसिड्स आएंगे, और बार बार आएगा हाइपो पाइरो, तो उन टर्म्स को मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। नाइट्रिक समझ में आ गया जब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रस जब उससे लोअर वाले की बात हो रही है, और हाइपो नाइट्रस का मतलब होता है, हाइपो का मतलब होता है कम। जैसे आपने सुना होगा हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, तो हाइपर मतलब बहुत ज्यादा हो गया, लेवल इंक्रीज हो गया किसी चीज का, और हाइपो इसका मतलब वो लेवल नीचे चला गया है या कम हो गया है। तो हाइपो का मतलब लेस होता है। तो इसमें क्या लेस हो गया? ऑक्सीजन लेस हो गई। तो ऑक्सीजन लेस होने से HNO2, क्योंकि इसका नाम हाइपो हटाओगे तो नाम क्या बचा? नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड हमारे पास क्या था? HNO2। अब वो बोल रहा है हाइपो, इसका मतलब एक ऑक्सीजन लेस करनी है। अब एक ऑक्सीजन लेस करोगे इसका फॉर्मूला क्या होगा? HNO। अब HNO तो बन नहीं सकता, तो आप इस पूरी टर्म को 2 से गुना कर देते हैं, तो ये बन गया H2N2O2। तो ये हो गया हमारा हाइपो नाइट्रस एसिड, तो H2N2O2। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं आराम से, H2 मतलब +2, नाइट्रोजन को मान लिया हमने 2x, प्लस ऑक्सीजन को हमने मान लिया 2 × 4 -4, तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x, उधर जाएगा तो +4 -2, तो 2x इज इक्वल टू +2 और x विल बी इक्वल टू +1। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा ऑक्सो एसिड है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन का,
इतनी बात समझ में आ गई, फॉर्मूले समझ में आ गए कैसे बोलते हैं इनको। नाइट्रिक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रस उससे कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो उसके नाम के आगे हाइपो लगा हो उसके फॉर्मूले में से एक ऑक्सीजन कम करनी है। तो नाइट्रस फॉर्मूला ये, उसमें हाइपो एक ऑक्सीजन कम करके हमने ऊपर वाला फॉर्मूला लिख दिया। इतना समझ में आ गया। जो आपके सिलेबस में है वो है नाइट्रिक एसिड। तो अब हम आते हैं नाइट्रिक एसिड पे, HNO3, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जो ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है, कमर्शियल लेवल पे जब बनाया जाता है, इंडस्ट्री में जब हम एसिड बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। ये प्रोसेस का नाम एक बार पहले भी आया था, अगर आपको याद हो तो, अमोनिया के अंदर हमने किया था प्रिपरेशन, तब हमने इसका यूज किया था। तो अब हम उसी को दोबारा से कर रहे हैं। इसमें तीन स्टेप में ये प्रोसेस होती है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप होता है, तो हम स्टेप वाइज चलते हैं। पहला स्टेप जो आपका होता है वो होता है ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन ऑफ जो हमारा इनग्रेडियंट है, एक तरीके से आप कह सकते हो रॉ मटेरियल है, यहां पर अमोनिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो ये आपने अमोनिया की प्रॉपर्टीज दी केमिकल, उनमें पढ़ा था कि अमोनिया को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं किसकी मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, तो यहां पर इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और रीनियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस के ऊपर 500 केल्विन और प्रेशर रखते हैं हम सिर्फ 9 बार। तो अब जब करेंगे इतने में तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये इसके साथ जला जाएगा, क्या बन गया, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया हमारे पास। अब देखो H बचा है, थोड़ा बहुत O बचेगा, तो इसका मतलब हम दूसरा प्रोडक्ट क्या बना दें, H2। जब आप बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कर लीजिए, ये आपकी हो गई NNA की है, 3 और 2 हो रहा, तो हम एक बार बैलेंस करके देखते हैं, 5, 4, 4 और 4N 4N 12 और ये 6×12 हो गई बैलेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप जो होता है हमारा, जो हमारा अभी यहां से नाइट्रिक ऑक्साइड आया है, इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे। इसका मतलब सेकंड स्टेप हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आपने क्या करना है, जो NO बन गया उसको फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है, तो ये क्या बन जाएगा, NO मिलकर क्या बन जा देगा, NO2। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं आराम से, सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं है, आपने सिर्फ ऑक्सीडेशन किया, कुछ नहीं किया, पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया, फिर आपने नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया, अब आपके पास क्या बन गया है, NO2। बाकी आपको पता ही है इसका क्या करना है, आपने इसका क्या करना है, पानी के साथ रिएक्शन करवानी है, तो आप हाइड्रोलिसिस कह दो इसको, या आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, या रिएक्शन विद वॉटर कहला सकते हैं इसको। किसकी रिएक्शन करवानी है हमें, NO2 की। NO2 की H2O के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, HNO3, सिंपल है। प्लस में यहां पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन जाता है थोड़ा बहुत, तो ये जो हो गया, अब आप बैलेंस करके देखेंगे तो इसको ये हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 है, 3 है, बैलेंस हो गया है। यहाँ पे देखो एक आपको प्लस पॉइंट दिखा होगा, पहले तो हमें ये बनाना था, बन गया, और दूसरा ये बन गया, जबकि ये हमारा क्या है, इनग्रेडियंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको भी यूज कर सकते हैं बार बार, ठीक है, थोड़ी मात्रा में हमें मिल जाएगा ये, तो हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको HNO3 मिला, ये जो हम इसको सुखाएंगे, इससे वो कंसंट्रेट करेंगे, तो ये हमें जो मिलता है वो अप्रोक्सीमेट 68% HNO3। बाकी इसमें क्या होगा, क्योंकि देखो किसके साथ रिएक्शन हो रही है, पानी के साथ हो रही है, तो HNO3 तो पानी में सोल्यूबल होता है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी मिलने की संभावना है, तो हम उसको सुखा के या किसी तरीके से इसकी यहां तक तो हम कर लेते हैं। अब उसको जब और अल्ट्रा प्योर किया जाता है फर्दर, आप बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये जो हमें नॉर्मल ऐसे ही HNO3 मिला है 68%, ये ही लैब में एज अ रिएजेंट यूज होता है। अगर आपको और भी ज्यादा प्योर चाहिए, मतलब आपको 90% या 98% चाहिए, तो फिर हम इसकी और डिहाइड्रेशन करेंगे। मान लो अगर किसी को 98% HNO3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसका पानी सुखा देंगे, भाई पानी ही है इसके अंदर 32%, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम
पता है कि हमारा जो कंसेंट्रिक H2SO4 होता है कंसेंट्रेटेड, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इसका मतलब रिमूवल ऑफ वाटर करता है। तो हम क्या करेंगे, जितना हमारा बन गया उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसेंट्रेटेड H2SO4 के सामने रखेंगे, धीरे धीरे वो उसकी नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे पास एटलीस्ट आखिर में क्या बनेगा, 98% HNO3। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ऑस्टवॉल प्रोसेस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार फिर से देख लें, कुछ नहीं है इसमें। ऑस्टवॉल प्रोसेस 3 स्टेप्स में हो रही है, पहले अमोनिया के साथ ऑक्सीडेशन की, आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन किया, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की आपने पानी के साथ रिएक्शन की और ये आपका HNO3 बन गया। इट्स टू सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।